वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल क्या है, जॉब कैसे मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी, सैलरी क्या रहने वाली है, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कोर्स करके इसका घर पर कैसे सर्टिफिकेट पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक्सेल क्या है। एक्सेल क्या है आपको पता होना चाहिए कि यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुख्य रूप से पांच सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक। तो दूसरे नंबर का आपका आ जाता है एमएस एक्सेल, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किसने बनाया था, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यह एक स्प्रीड शीट प्रोग्राम है जिस पर आप सारे डेटा का कार्यकाल करते हैं, पूरा काम सारा डेटा से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। और मैं उसके पहले बता दूं आगे बने टॉपिक को कि आपको अगर एक्सेल का कोर्स करके अपने घर पे हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट चाहिए जिसको आप जॉब में कहीं पे लगा सकते हैं, अपने रिज्यूम में सबमिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे गूगल पे आना, गूगल पे आपको पंकज 98 सर्च करना है या आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इसमें आके आपको यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, नीचे आएंगे होम पेज पे ही या देखिए कोर्स करने के लिए इस वीडियो को देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक वीडियो आएगी, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप कोर्स कैसे कर सकते हैं एक्सेल का और इसका घर पे अपने हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं। इस व्यवसाय को आप पूरा अच्छे से एक बार जरूर विजिट करके देखिएगा, इस पर कितने बच्चों ने कोर्स किया है, क्या सर्टिफिकेट है, कैसे है, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो एक्सेल जॉब के लिए आपको जो पोस्ट मिलने वाली है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एनालिटिक का मिलेगा, ठीक है आपको, और दूसरी जो मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का मिल सकता है आपको। यहाँ पर जो जॉब मिलेगी आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरी आपको रिटेल स्टॉक मैनेजर को, आपको रिटेल स्टॉक मैनेजर जो होते हैं, जो आपको रिटेल में स्टॉक कितने बचे हुए हैं उसकी आप जॉब ले सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब ले सकते हो आप, बिल्कुल आप प्रोजेक्ट मैनेजर की भी जॉब ले सकते हो। बिजनेस एनालिटिक का भी जॉब ले सकते हो यहाँ पे एक्सेल करके, क्योंकि आपको पता है कि जो एनालिटिक दिखाया जाता है बिजनेस पर्पज के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें एक्सेल में भी आप मिलता है। डेटा जर्नलिस्ट का भी आप ले सकते हो और अकाउंटेंट का भी आप जॉब यहाँ पे पा सकते हो, बिल्कुल आप आसानी से अगर एक्सेल कर लेते हो। तो ये सारे मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि आप बिजनेस एनालिटिक ले सकते हो और अकाउंटिंग ले सकते हो, रिटेल स्टॉक मैनेजर का ले सकते हो, ये सारे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। बहुत सारी जॉब आती हैं और उसकी लिस्ट पे एक वीडियो चाहिए कि एक्सेल करके कौन कौन से जॉब की जो लिस्ट होती है पूरा कंप्लीट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और एक्सेल की मैं बात करूँ, सैलरी जो है आप अगर एक्सेल अच्छे से कर लेते हो तो स्टार्टिंग आपको मान चलो कि 20 से 25-30 हज़ार इन्हें आप स्टार्ट करोगे और आराम से 40-45 हज़ार तक यहाँ पे सैलरी आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन हाई लेवल का एक्सेल सीखते हो और एक्सपीरियंस गेन करते हो। सबसे ज़्यादा जरूरत है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ही कम मिल सकती है, बिल्कुल इसका सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो आपको मिल जाएगी। अब जॉब कैसे मिलती है, तो एक्सेल कोर्स कर लिए तो आपको जॉब के लिए भाई जाहिर सी बात है आपको अप्लाई करना होगा। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं या आप ऑफलाइन अपने लोकल मार्केट में पता कर सकते हो, जहाँ पे कोई शोरूम हो या जहाँ पे ज्वेलरी का शोरूम हो, जहाँ पे आप बड़े बड़े शोरूम्स आप खुले वहाँ पे जाइए और पता करिए, वहाँ पे सीट खाली, अपने रिज्यूम को सबमिट करिए, या तो आप ऑनलाइन देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल गूगल पे सर्च करिए कि नहीं एक्सेल जॉब कैसे करना ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत लोगों की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल आसानी से सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको और कुछ भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो उस टॉपिक पे जरूर बना के लेके आऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि आप लोग पंकज 98 एजुकेशन के ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ पे एक्सेल के कोर्स एक बार जरूर देखिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए कोर्स को करना है कि नहीं करना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।